खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बता देते हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल औचक निरीक्षण करने के लिए अस्पतालों में पहुंच चुके हैं। अस्पतालों की व्यवस्था का औचक निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जिला अस्पताल पंडरी अम्बेडकर अस्पताल जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री कालीबाड़ी अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। तो देखिए, राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल औचक निरीक्षण पर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। अस्पतालों की क्या व्यवस्था है उस पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं खुद स्वास्थ्य मंत्री। पहुंचकर जिला अस्पताल पंडरी अम्बेडकर अस्पताल जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री, और इसी के साथ कालीबाड़ी अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री निरीक्षण करने वाले हैं। तो देखिए, लगातार खबरें आती रहती है कि जहां पर जो अस्पताल है वहां पर लापरवाही बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर ये खबर आती है कि कई दवाइयां नहीं है, कई डॉक्टर्स नहीं है। अब ऐसी खबरें ना आए और ऐसी किसी परेशानी में कोई मरीज जो है वो ना पड़े, इसी को लेकर देखिए स्वास्थ्य मंत्री खुद यहाँ अस्पतालों में पहुंचे हुए औचक निरीक्षण करने के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के श्याम बिहारी जायसवाल और ये औचक निरीक्षण कर रहे हैं अस्पतालों का। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ तस्वीरें हैं आप वहां पर श्याम बिहारी जायसवाल जो स्वास्थ्य मंत्री है खुद पहुंचे हुए औचक निरीक्षण करने के लिए, क्या बातचीत कर रहे हैं मरीजों से और क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं? बिल्कुल, अस्पतालों में व्यवस्था कैसी है और स्वास्थ्य सुविधाएं जिस संकल्प के साथ सरकार चल रही है उसके अनुकूल चल रही है कि नहीं चल रही है, उसी का निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज राजधानी के कई अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। और शुरुआत सबसे पहले मेका हारा से हुई है और ये प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और वहाँ पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट का भी निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या खामियाँ मिली, किस तरह की जो बातें हैं लोगों ने बताई? आज सुबह सुबह 6 बजे ही निकलकर मन में ऐसा है कि प्रदेश के सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेकाहारा है, जिसको हम लोग प्रदेश के सबसे सुविधायुक्त तो सबसे आम जनता तक सुलभ हो सके ऐसा सोचकर बनाने की हमारी योजना है, और उसको लेकर मैं आज यहाँ मेकाहारा में आया हुआ हूँ। अभी मरीजों से भी मिला, उनके परिजन से भी मिला, डॉक्टर से भी मिला, सिक्योरिटी वालों से मिला, सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। व्यवस्थाएं पहले से काफ़ी बेहतर हैं, किसी भी मरीज ने किसी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं की, सारे लोग संतुष्ट थे। बालाघाट से भी कुछ लोग आए थे और प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल होने के कारण दूर दूर से लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ समस्याएं भी ज़्यादा रहती, किस तरह की समस्या आपको जानने में? हाँ, मध्य प्रदेश के बालाघाट से भी आए थे, उनको चूँकि डिस्चार्ज कर चुके हैं परंतु उनके परिवार में कोई नहीं होने की वजह से उनका एक लड़का है वो यहीं रहकर मलहम पट्टी कराते हैं, तो उनको वैकल्पिक रूप से कहीं पे बेड उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है। साथ ही उनके जो परिजन हैं उनको भी कहा गया है कि नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर ड्रेसिंग भी कराएं, और इसी प्रकार से हमारे सरगुजा क्षेत्र के भी एक परिवार से भी मिला जिनका भी भोर में निधन हो गया, तो वो 1 महीना प्राइवेट में रखने के बाद देर रात यहाँ लाए थे और उनके लिए एम्बुलेंस सौ वाहन वगैरह भेजने के लिए कहा गया है। सर, उससे आपने अपील भी की कि आप प्राइवेट अस्पताल के जगह पर सरकारी अस्पताल आइए क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं बेहतर हो रही हैं, तो सर इसी अपील को पूरे प्रदेश भर में करने की ज़रूरत है, आज सभी अस्पतालों में इसी को लेकर पहुँच रहे हैं? निश्चित रूप से हमारी प्राइवेट हॉस्पिटलों से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छा संचालित हो रहे हैं, परंतु आम जनता से मैं अपील कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, और वैसे भी हमारी जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें पर्याप्त व्यवस्थाएँ हैं। हमारे सरकारी हॉस्पिटल में जैसे मेकाहारा है, DKS है, सिम्स है, ये बड़े मध्य भारत के और राजधानी के बड़े हॉस्पिटल हैं, इनमें हमारे जो अनुमानित स्वीकृत बेड है उससे लगभग डबल की संख्या में मेकाहारा में IPD हो रहा है, OPD हमारे अनुमान से ज़्यादा चल रहा है और व्यवस्थाएं बेहतर हैं। आम जनता में माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है और आज यही विश्वास का कारण है कि हमारे पास बेडों की संख्या कम पड़ रही है। सर, प्रदेश भर में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, इस बिल्डिंग के लिए भी नई बिल्डिंग तैयार की गई है, तो कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों मरीजों के में ध्यान दिया जा रहा है, आप भी लगातार अपील कर रहे हैं कि लोग पहुंचे? निश्चित रूप से मेकाहारा में भी 700 बेड का अतिरिक्त सेटअप और उसकी व्यवस्थाओं के लिए स्वीकृति मिल गई है, उस पर काम हमारा प्रक्रिया चालू है, आने वाले समय में प्रदेश के लोगों को एक बड़ा लाभ यहाँ मिलेगा।
प्रदेश के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। और सुबह से ही तड़के 6:30 बजे से ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल यहां पहुंच चुके हैं और लगातार आपको निरीक्षण करते हुए दिखाई देंगे। तस्वीरें देखिए आपकी, थोड़ी देर पहले उन्होंने यहां पर जो है वो पुलिस कर्मियों के नहीं होने के कारण यहां पर उनको भी फटकार लगाई थी। अब आधुनिक रसोई घर पर पहुंचे हैं क्योंकि मरीजों का खाना यहीं से बनता है। तो तस्वीरें देखिए आप कि सुबह से ही जो निरीक्षण है वो जारी है और ये इस रसोई घर पर सुबह से जो तमाम मरीजों का खाना तैयार होता है। मरीजों का खाना तैयार होने के कारण यहाँ पर जो पौष्टिक गुणवत्ता यहाँ पर है कि नहीं है, यहाँ पर जो खाना बनाया जाता है वो साफ सफाई के बीच में बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता, वो तमाम चीज़ों को वो परख रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार सुबह से निरीक्षण जारी है और इसके बाद में दो अतिरिक्त अस्पताल और हैं जहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है वो जाने वाले हैं। एक कालीबाड़ी जिला अस्पताल है, उसके अलावा दूसरा पंडरी जिला अस्पताल है, वहाँ पर भी पहुँचेंगे। वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है उसको भी वो जाँचते परखते समझते हुए नजर आएंगे और जो कुछ बेहतर हो सकता है जिससे जो स्वास्थ्य उसमें गुणवत्ता आएगी उसको जो है वो करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये देखिए रसोई घर की तस्वीर देखिए, सुबह का नाश्ता तैयार हो रहा है और नाश्ते का निरीक्षण जो है वो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी कर रहे हैं ताकि पूरी गुणवत्ता जो है वो दिखाई दे। और ये ट्रे पे देख लीजिए आप, किसी मरीज का होगा या किसी यहाँ पे एम्प्लॉय का होगा, जूते चप्पल भी हैं। और ये देखिए ये सुबह का नाश्ता तैयार हुआ है और इसका भी वो देखेंगे और ये तस्वीर आप देखिए। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार से बेहतर हो, क्या बेहतर किया जा सकता है जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं पर एक बेहतर असर पड़े, तो उसके लिए जो है ये पहल आपको साफ तौर पर दिख सकती है और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, तो किस तरह से प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसे और बेहतर किया जाए इसको लेकर औचक निरीक्षण करने पहुंचे श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री और हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा वहीं पर मौजूद है और तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। जब स्वास्थ्य मंत्री अलग अलग अस्पतालों में जाएंगे वहां पर क्या कुछ हालात है वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे।